Myself, Rajesh Bansal, chemistry faculty from KELVIN Institute. Today we will discuss chemical equilibrium. In chemical equilibrium, we will discuss degree of dissociation and its relationship with vapor density. बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. चलिए पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? इट इज द अमाउंट डिसोसिएटेड आउट ऑफ वन. रिएक्टेंट का एक मोल में से कितनी अमाउंट डिसोसिएट हुई है उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. इट इज द अमाउंट डिसोसिएटेड आउट ऑफ वन, रिएक्टेंट के वन मोल में से कितनी अमाउंट डिसोसिएट हुई है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि PCl5 हमने गैस ली, इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, PCl3 गैस फॉर्म हुई एंड क्लोरीन गैस फॉर्म हुई. अब हमने एक मोल लिया था PCl5 का, मान लिया कि इक्विलिब्रियम पर इसके अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, तो इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहे हैं. तो उस कंडीशन में PCl3 के कितने मोल फॉर्म होंगे? अल्फा. और क्लोरीन के कितने होंगे? अल्फा. तो अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहे हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का को मेजर करने का एक मेथड तो होता है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर कर लें, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है का लॉ ऑफ मास एक्शन से जो फॉर्मूला होता है उसमें उसका अप्लाई करें. उसमें के इक्विलिब्रियम हमें गिवन हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिवन हो, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेजर कर सकते हैं. लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसका रिलेशनशिप विद वेपर डेंसिटी है. यानी कि एक तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मेजर करने का फॉर्मूला होता है, हम ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए होता है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जो रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और वेपर डेंसिटी में, तो अब बात करते हैं कि उनमें क्या रिलेशनशिप होता है वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में. कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग वेपर डेंसिटी. अब पहले बात करते हैं वेपर डेंसिटी होती क्या है. वेपर डेंसिटी होती क्या है? ये होती है हाफ ऑफ द मोलिकुलर मास. वेपर डेंसिटी की बात करें तो वो होती है हाफ ऑफ द मोलिकुलर मास. और इसमें हमने क्या किया कि टू से क्यों डिवाइड किया हुआ है कि हमने सब जितनी भी गैस होती है सबको कंपेयर किया है हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 होता है, तो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कोई गैस कितनी हैवी है उसको देखा है इसमें हमने. तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल बाई 2. वी और डी यहाँ पर वेपर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला पहले कैसे ड्राइव किया हुआ है इनमें रिलेशनशिप. तो एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं, सभी क्वेश्चन आप उसी से कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूला याद रखें या ना रखें, जनरल कंसेप्ट है, बस उसी को याद रखें और उसी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. अब पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है. वेट बाई मोलिकुलर मास, ये तो हमें सभी को पता होता है कि नंबर ऑफ मोल निकालने, तो कैसे निकालते हैं कि गिवन मास हमें किसी सब्सटेंस का पता है उसको उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल पता लग जाते हैं. हम कोई वैसल लिया, हमने वैसल के अंदर हमने कोई रिएक्टेंट लिया, हम रिएक्टेंट लेने के बाद मान लिया कि हमने PCl5 ही लिया था. PCl5 लिया हमने, PCl3 फॉर्म हुआ, Cl2 फॉर्म हुआ, एक मोल था, एक मोल. ये क्लोज वैसल है, क्लोज वैसल है तो
PCl5 और PCl3 और क्लोरीन इसी के अंदर रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वेसल का जो मास है बिफोर द रिएक्शन क्या होगा, अगर जो मास था पहले PCl5 का जितना मास था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद भी वेसल का जो वेट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी जो वेट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा इन द क्लोज वेसल, जो वेट है वो वेसल के अंदर कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास हम कह सकते हैं, वेट ऑफ वेसल इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि जो वेट है वेसल का वो कांस्टेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास होते हैं। अब क्या होगा, PCl5 हमने इनिशियल लिया, इनिशियल में नंबर ऑफ मोल हमने मान लिया कि ये 1 मोल डाले थे, तो इनिशियली जो मोलिकुलर मास होगा वो उस PCl5 का होगा। अब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 और क्लोरीन फॉर्म कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होने पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, वेट तो कांस्टेंट रहना है, वेट कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जो मोलिकुलर मास होगा वो डिक्रीज होगा। अब जो मोलिकुलर मास होगा इक्विलिब्रियम पर, वो मोलिकुलर मास PCl5 का ना होगा, उसको हम इक्विलिब्रियम मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर कहेंगे। जो इक्विलिब्रियम पर मोलिकुलर मास होगा वो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर होगा, यानी कि PCl5 का भी उसमें कुछ पोर्शन होगा, PCl3 का भी कुछ पोर्शन होगा, क्लोरीन का भी कुछ पोर्शन होगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास है। अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ मोल इनिशियल या इनिशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, इनिशियल जो मोलिकुलर मास है आई यहां इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एट इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, अब इक्विलिब्रियम पर किसका मोलिकुलर मास होगा, मिक्सचर का होगा, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, यानी कि इनिशियल हमारे पास केवल PCl3 थी, PCl5 था, तो उसके नंबर ऑफ मोल हमने 1 लिए थे, उसका जो मोलिकुलर मास होगा वो इनिशियल मोलिकुलर मास केवल PCl5 है उस टाइम पर। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे, इस केस में जैसे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे तो मोलिकुलर मास होगा वो मिक्सचर का डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोलिकुलर मास जो मिक्सचर का होगा वो इंक्लूड करेगा PCl5 को भी, PCl3 को भी और क्लोरीन को भी, तीनों का कुछ कुछ पोर्शन होगा, उससे हम उसको हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर। यदि हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें इनिशियल और इक्विलिब्रियम पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनिशियल, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, मोलिकुलर मास इनिशियल और मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर या एट इक्विलिब्रियम। यदि हम 1 मोल लेकर चले थे PCl5 का, तो नंबर ऑफ मोल इनिशियल मोल कितने हैं PCl5 के, 1। एट इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर दें तो टोटल मोल कितने हो रहे हैं, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा PCl5 के रह जाते हैं इक्विलिब्रियम पर, अल्फा PCl3 के हैं, क्लोरीन के अल्फा हैं, तो इनको ऐड करें तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर कितने हो जाते हैं, 1 प्लस अल्फा। इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा। अब मिक्सचर का मोलिकुलर मास, या तो ये हमें गिवन होगा मिक्सचर का मोलिकुलर मास, या हमें परसेंटेज गिवन होगी, तो उससे हम मिक्सचर का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। और इनिशियल मोलिकुलर मास, इनिशियल मोलिकुलर मास किसका होगा, केवल PCl5 का जो मोलिकुलर मास है एक्चुअल वो लेंगे, जो PCl5 का मोलिकुलर मास है उसको लेंगे, मोलिकुलर मास इनिशियल केवल PCl5 थी, तो मोलिकुलर मास जो PCl5 का होगा उसको। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल सकते हैं, या तो मोलिकुलर मास मिक्सचर का गिवन होगा
या परसेंटेज गिवन होगी तो हम उसको यूज कर कर मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर का में गिवन होगा उसको निकाल या निकालना होगा हमें। PCl5 का मॉलिकुलर मास हमें पता ही होता है और वन नंबर ऑफ मोल लिए हमने इसलिए थे वन प्लस एल्फा नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम में, तो इसको यूज कर कर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। हमने क्या यूज किया, हमने देखा केवल नंबर ऑफ मोल को एक सिंपल कंसेप्ट लिया हमने। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर मास। जो इनिशियल वेट होगा क्लोज वेसल का वो इक्विलिब्रियम पर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वेट यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। जो इनिशियल मोल होंगे वो भी इनिशियल मोलिकुलर मास के इक्वल होंगे। इनिशियली केवल क्या प्रेजेंट था, PCl5 प्रेजेंट था, तो उसका जो इनिशियल मोलिकुलर मास होगा यानी कि PCl5 का मोलिकुलर मास होगा। और नंबर ऑफ मोल इनिशियली हमने लिए थे वन, लेकिन जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद नंबर ऑफ मोल कितने चेंज हो गए, टोटल मोल वन प्लस एल्फा बन गए। तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो मोलिकुलर मास मिक्सर का डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर का होगा वो किस किस का मोलिकुलर मास इंक्लूड करेगा, PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का, तो वो मोलिकुलर मास मिक्सर का होगा। तो हम इक्विलिब्रियम पर जो मोलिकुलर मास होगा यूनिवर्सली पर प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर होगा, इनिशियल मोलिकुलर मास ऑफ PCl5 का होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये निकल गया। तो इस फॉर्मूले को हम भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम एक जनरल फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं जो बुकों में गिवन होता है। तो उसके लिए अब जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके। ये मान लेते हैं कि हमारे पास AN कोई मॉलिक्यूल था, उसके वन मॉलिक्यूल लिए हमने इक्विलिब्रियम क्लोज वेसल में, इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो उसके नंबर ऑफ मोल फॉर्म हुए N। इनिशियल हमने AN कोई हमारा रिएक्टेंट था उसका वन मोल लिया था, उसमें से अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और तो कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, एन अल्फा। टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर कितने हो जाएंगे, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस वन माइनस वन अल्फा। तो हमने एक मोल लेकर चले थे एन का, तो वो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ उसके नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए, इक्विलिब्रियम पर अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो एन ए के जो नंबर ऑफ मोल बने एन अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हो गए, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। अब हम कह सकते हैं कि अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, अब इनिशियल मोल थे हमारे पास वन, या हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोल थे हमारे पास वन, इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। मोलिकुलर मास इनिशियल किसका था, एन का मोलिकुलर मास इनिशियल और मोलिकुलर मास एट इक्विलिब्रियम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मोलिकुलर मास इनिशियल है उसको थ्योरेटिकल जो मोलिकुलर मास होता है एम, थ्योरेटिकल जो इनिशियल मोलिकुलर मास हमने लिया था थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास कह सकते हैं एम ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। एम टी यहां पर क्या है, थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास और एम नोट क्या है, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। चलिए अब इसको हम एम टी को इधर ले जाते हैं, एम टी बाई एम नोट एन माइनस वन अल्फा प्लस वन, वन को इधर ले लें तो क्या बन जाएगा, एम टी माइनस एम नॉट
माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन एल्फा। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं एम नोट को, एम नोट का एलसीएम लेंगे तो एम नोट एम टी माइनस एम नोट इज इक्वल टू एन माइनस वन एल्फा। तो एल्फा को यहां से निकालें तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एल्फा इज इक्वल टू एम टी माइनस एम नोट एन माइनस वन एम नोट। हमें पता है कि जो वेपर डेंसिटी होती क्या है, मोलिकुलर मास का हाफ होती है। मोलिकुलर मास ऑब्जर्व है उसको हम क्या ले सकते हैं, वेपर डेंसिटी इंटू टू लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम पर जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इंटू टू लिख सकते हैं हम। तो वेपर डेंसिटी को लिखें इसको, तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो थ्योरेटिकल होती है वो वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये डी है वेपर डेंसिटी एट इनिशियल वेपर डेंसिटी, इनिशियल वेपर डेंसिटी, और डी है यहां पर वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो इस एम टी की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहां पर वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम टू टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम माइनस वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इनिशियल वेपर डेंसिटी डिवाइड बाई एन माइनस वन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। इसमें टू से क्या होगा, टू कट जाएगा। जो जो जनरल फॉर्मूला है डी माइनस डी एन माइनस वन डी आ जाएगा। एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम वन मोल ऑफ द रिएक्टेंट।